दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमारे अनुमान के सामने एनआईआई में बढ़ोतरी देखी जा रही है। हमारा अनुमान था 9,000 है। प्रदीप जी की आवाज में कुछ समस्या है। हम फिलहाल सीजी फिलिप से बात करते हैं, एक्सिस सिक्योरिटीज से हमारे साथ जुड़ी हुई। आपका बहुत बहुत स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। सीजी, ये बताइए कि क्या मेन टेक अवेज देख रही हैं आप इन नतीजों में, और इसका असर क्या देख रही हैं आप? थैंक यू। तो नतीजे जो है हमारे अनुमान से काफी बेहतर आए हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम में 16% YOY ग्रोथ हुआ है और 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और नॉन इंटरेस्ट इनकम में भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखा है, जो कि फी इनकम से लेड है। तो फी इनकम में भी काफ़ी अच्छा उछाल आया है, जो दर्शाता है कि एक्टिविटी लेवल्स काफ़ी अच्छी तरह से पिकअप हो रहे हैं। ट्रेजरी गेंस भी काफ़ी अच्छा है, जो स्टेक सेल का उनको प्रॉफिट हुआ है, तो उसके चलते 40% अपसाइड आया है नॉन इंटरेस्ट इनकम में। बाकी जो प्रोविजंस है वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हुए हैं, तो उसके उसके उसका जो नेट प्रॉफिट पे काफ़ी अच्छा असर दिख रहा है। तो ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आईसीआईसीआई बैंक ने दिया है। इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं, हालांकि अभी तो बजट का वक्त है, सोमवार को बजट का दिन है, लेकिन फिर भी क्या इम्पैक्ट देख रही हैं आप बाजार पर? तो ओवरऑल इम्पैक्ट तो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि बीट सब काउंट्स पे आया है, तो स्टॉक प्राइस पे इम्पैक्ट पॉजिटिव होना चाहिए। चलिए सी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रदीप जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, आपका क्या टेक है इन नतीजों पर आईसीआईसीआई बैंक के? तो देखिए, आप इस बार आप दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के मामले में भी देखें तो उनका कारोबार अच्छा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और यही बात यहाँ भी दिखाई देती है। एसेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है और वो थोड़ा स्टेबिलाइज होते हुए नजर आ रहे हैं, ये दूसरी अच्छी बात है। इसके ग्रेन्युलर डिटेल्स कुछ देर बाद जब बैंक के कॉन्फ्रेंस कॉल में मिलेंगे तो हम और ज्यादा रोशनी डाल पाएंगे, लेकिन प्राइमा फेसी हमारे अनुमान से नतीजे बेहतर हैं, क्योंकि आप देखिए प्रोविजन साल दर साल बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा घटा है, लेकिन कुल मिलाकर आप फ्लैट ही कहेंगे, फिर भी मुनाफा आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कारोबार में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक के ये नतीजे हमारे अनुमान से बेहतर ही गिने जाएंगे किसी भी पैमाने पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जी। और बढ़ते हैं आगे। बजट से पहले आज एक सर्वदलीय बैठक हुई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार किसानों से एक कॉल की